नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट की साइट पर हूं, जहां जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होना है। पीएम मोदी और सीएम योगी सहित नामी ग्रामी हस्तियां इस कार्यक्रम में शरीक होंगी और ये कार्यक्रम नगला फूल सिंह यानी नगला झंगीरा की झोंपड़ी जो गाँव था उस गाँव के बराबर में पीछे सड़क के किनारे काफी दूर तक का ये एरिया समतलीकरण का यह काम किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट की साइट पर मेरे पासर में आप देख रहे हैं मशीनें काम कर रही हैं और यह बिल्कुल रनेरा पुलिस चौकी के समीप का स्थान है और यह स्थान आप देख सकते हैं जेवर झाझर सड़क मार्ग से बिल्कुल सटा हुआ स्थान है। लगभग 250 मीटर चौड़ाई का और 500 मीटर लंबाई का यह एरिया समतलीकरण किया जा रहा है। यहीं पर कार्यक्रम होना है। अभी तक हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कार्यक्रम शिलान्यास और सभा एक ही स्थान पर होगी या अलग अलग स्थानों पर होगी, लेकिन उम्मीद यह व्यक्त की जा रही है सभा और शिलान्यास कार्यक्रम दोनों एक ही स्थान पर होंगे। और मैं आज शुक्रवार की शाम लगभग 4:30 बजे इसी स्थान पर हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास में बहुत सारी मशीनें यहाँ काम कर रही हैं और जमीन का को समतल कर रही हैं, यानी इस मैदान पर जहाँ जनसभा होगी वह मैदान को उसे समतल किया जा रहा है। मशीनें काम कर रही हैं, आप देख सकते हैं पास्टर में, और काफी एरिया, ये विशाल एरिया है जिस पर यह कार्यक्रम होगा। लाखों लोग जुटेंगे इसमें और पार्किंग से लेकर के समस्त वह सुविधाएं यहाँ उस समय मौजूद रहेंगी जिस समय देश के पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। दोस्तों, अरोरा एंड कंपनी इस काम को कर रही है। हालांकि यह जिस कंपनी को यह शिलान्यास कार्यक्रम कराना है उसको जिम्मेदारी दे दी गई है। कंपनी अपने स्तर से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। और जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम किस स्थान पर होगा, उस स्थान की लोकेशन हम आपको बता देना चाहते हैं। जेवर झाझा सड़क मार्ग पर किशोरपुर गांव से आगे बनवारीपुर गांव को जाने वाला यह संपर्क मार्ग है और इसी संपर्क मार्ग से सटा हुआ स्थान है जिस पर जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होना है। सामने नगला शरीफ खां, नगला छीतर खां वाला सड़क मार्ग है और दूसरी तरफ रोही गांव को जाने वाला सड़क मार्ग है। ये जेवर झाझर सड़क मार्ग है। इन सड़क मार्गों के बीच आसानी से आसपास के इलाके भर से लोग यहां आ सकेंगे। जेवर खुर्जा सड़क मार्ग से आना हो या जेवर झाझर से यहाँ आना हो, यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे के गांव के इलाकों से यहाँ आना हो, आसानी से लोग हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम स्थल तक आ सकते हैं। यह स्थान जहाँ कार्यक्रम होगा यह रोही गांव की जमीन है और रोही गांव की जमीन पर लगभग 250 मीटर चौड़ा और 500 मीटर चौड़ा पंडाल होगा जिसमें यह कार्यक्रम कराया जाएगा। पंडाल के लिए पिलर मौके पर आने शुरू हो गए हैं। कई बड़ी मशीनें जमीन को समतलीकरण का काम कर रही हैं जहां पर पंडाल लगेगा। विशाल पंडालों में जो पिलर हैं वह जापानी पिलर हैं जो काफ़ी संख्या में यहां आएंगे और बेहतरीन स्थायी पंडाल होगा जहां कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आप सभी को संभावना इस बात की ज़्यादा है कि लाखों लोग इस कार्यक्रम में जुटेंगे। कई राज्यों के और आसपास के कई जिलों के लोग इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। आप लोग सामान लाए हैं इसमें? जी, हम लोग सामान लेके आए। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग दिल्ली से, आदरे से आए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये ट्रक आपके हैं सारे? जी। तो क्या सामान है जी इनमें? इनमें है ये पंडाल के, ये हैं जो ये रैली के पंडाल बनने हैं। अच्छा, इसके मतलब फोल्डिंग वगैरह है। अच्छा, तो कितने बड़ा पंडाल बना सकते हैं आप? ये तो जितना बड़ा ग्राउंड है उतना बड़ा पंडाल ये बना देंगे। अच्छा, तो ये जो पंडाल के जो पिलर हैं वो क्या प्लास्टिक के हैं लोहे के हैं? ये हैं जापानी आइटम है ये। अच्छा, जापानी आइटम है जी। अच्छा अच्छा, तो अभी और भी आएगा सामान के यही सामान है? अभी और भी आने हैं। अच्छा, तो तुम्हें तो जानकारी होगी नहीं पंडाल कितना बड़ा चौड़ा होगा? नहीं, ये सर ये। अच्छा अच्छा, यह वह स्थान था जहां पर जनसभा का कार्यक्रम होना है। दूसरी तरफ हेलीपैड बनेंगे, कई हेलीपैड बनेंगे वीवीआईपी लोगों के लिए। और अब जो ये वीडियो देख रहे हैं यह सड़क के दूसरी पार का इलाका है यानी पश्चिम दिशा का। जेवर झाझा सड़क मार्ग के पश्चिम में यह दिशा है जहां पर हेलीपैड बनेंगे। सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी के यहां पर भी कंपनी का काम चल रहा है, अरोरा एंड अरोरा कंपनी का काम चल रहा है। जेवर झाझर सड़क मार्ग के पश्चिम में हेलीपैड बनेंगे और पूरब में यह कार्यक्रम होगा। विशाल जनसभा जहां होगी, शिलान्यास कार्यक्रम होगा। पूरा कार्यक्रम कुछ ही दिन में
अधिकृत रूप से घोषित होगा और इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी जेवर एयरपोर्ट की साइट से, नमस्कार। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हम आपको लगातार दिखाते रहें जेवर एयरपोर्ट की न्यूज अपडेट।